हेलो स्टूडेंट्स, मेरी बात हो रही है क्लास 12th के अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के साथ। जब आप 2nd मार्च यानी इंग्लिश का पेपर देकर घर पहुंचोगे तो अगला पेपर होगा 6th मार्च को अकाउंट्स का। तो बीच के दिनों को यूटिलाइज कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास 5 मार्च की रात तक का समय होगा। तो 2nd मार्च जब आप पेपर देकर आएंगे और 5 मार्च तक जो बचे हुए दिन हैं, इनमें अकाउंट्स की तैयारी कैसे करेंगे, आइए अपने एक्सपर्ट राजीव सर से मिलते हैं और उनसे सीखते हैं कि इन दिनों को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बन रही है 2nd मार्च से 5th मार्च तक जो आपने अकाउंटेंसी की फाइनल रिवीजन करनी है उसके लिए। 2nd मार्च को जब आप इंग्लिश का एग्जाम देके घर आएंगे, रिलैक्स करेंगे, ढूंढेंगे हमारे नोट्स, नोटबुक्स, बुक्स अकाउंटेंसी की कहाँ पड़ी हैं, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप सेम डे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फोकस करें, उसको कवर करने की कोशिश करें तो बेटर होगा। वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली पूरी बुक को भी हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे करने के लिए आपको लगभग 2 घंटे तो कम से कम चाहिए, उसके बाद आपको 3 घंटे कम से कम चाहिए बाकी सारे चैप्टर्स को कवर करने के लिए, जो कि हम 2nd मार्च को ही खत्म करेंगे। 2nd मार्च ओनली फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस वाली बुक के लिए ही रखना है आपने। अब बात आती है, ये रिवीजन हम करेंगे कहाँ से। जितनी भी बुक्स आपके पास हैं, जितनी हेल्प बुक्स आपके पास हैं, टेक्स्ट बुक्स, हेल्प बुक्स, जो भी है, जो स्टडी मटेरियल आपको कहीं से मिला है, जो स्कूल से आपको नोट्स आपके टीचर्स ने दिए हैं, उन सबको रिवाइज करना है, थ्योरी के टॉपिक्स को ठीक से पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे इलस्ट्रेशंस करना बेटर होता है। ऐसा नहीं है कि अनसॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, आप अनसॉल्व क्वेश्चंस करिए एक्सरसाइज के, बट प्रॉब्लम वहाँ आएगी जहाँ पर आप से वो आंसर नहीं सॉल्व होगा, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा और आपके पास उसको चेक करवाने का कोई सोर्स नहीं होगा, वहाँ प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास सफिशियंट सोर्स है चेकिंग का, आप अनसॉल्व क्वेश्चन ज़रूर करें, बट मेरी माने तो अगर आप इलस्ट्रेशंस पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब स्टार्ट करते हैं 3rd मार्च। 3rd मार्च के पूरे डे को हमने 4 2-2 घंटे के स्लॉट्स में बांटा है। स्लॉट नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स। आई थिंक 2 घंटे में इशू ऑफ शेयर्स ठीक से कवर हो सकता है। स्लॉट नंबर 2, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्लॉट नंबर 3, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड स्लॉट नंबर 4, थ्योरी ऑफ ऑल द 3 अबव चैप्टर्स। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में भी हेल्प करती है। बात फिर वही है, प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो नोट्स हैं उनसे पढ़ें, इलस्ट्रेशंस पे फोकस करें। हर बुक में इलस्ट्रेशंस जो हैं उनका आंसर हाइड करके पहले उसको सॉल्व करें, उसके बाद उसका आंसर चेक करें। 3rd मार्च खत्म हो चुका है, अभी तक हमने कोई सैंपल पेपर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि हमने अभी तक पार्टनरशिप को टच भी नहीं किया। ये दोनों चीज़ें हमने 4th मार्च के लिए रखी हुई हैं। तो बात करते हैं 4th मार्च की। 4th मार्च को आप पार्टनरशिप कवर करेंगे, आफ्टरनून तक कवर हो जाएगी, 2-2 घंटे के 3 स्लॉट्स में पार्टनरशिप को बांट के इसको ख़त्म कर सकते हैं। फंडामेंटल्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको अलग से 2 घंटे चाहिए। गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन तीनों को अलग से 2 घंटे चाहिए। और बाकी बचे टाइम में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन, इसको हम तीसरे स्लॉट में कर सकते हैं। तो 6 घंटे में अगर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, अगेन इलस्ट्रेशंस पे फोकस करना है। 4th मार्च का बचा हुआ टाइम, एक सैंपल पेपर और अगर पॉसिबल है तो 2 सैंपल पेपर्स। ये 2 सैंपल पेपर्स 4th मार्च तक खत्म करने में हमारा सारा सिलेबस भी खत्म हो गया, 2 पेपर्स भी हो गए। पेपर्स को 5th मार्च तक ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पेपर करेंगे 5th मार्च को तो उसको चेक कहाँ से करवाएंगे।
फोर्थ मार्च को पेपर्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अभी हमारे पास फिफ्थ मार्च है, उन पेपर्स में जो भी मिस्टेक होती है आपके पास सोर्स होना चाहिए उसको चेक करवाने का। पेपर्स भी सॉल्व हैं बहुत सारी बुक्स में, जो सॉल्व पेपर्स हैं उनको भी करके आप बुक की हेल्प से भी अपने आप चेकिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई मेंटर या आपके टीचर्स अवेलेबल हों आपके साथ उनको चेक करने के लिए, तो उनसे चेक करवाएं। अब बचा फिफ्थ मार्च का डे। फिफ्थ मार्च को हर चैप्टर को एक बार फिर उठाना है, बहुत ब्रीफ में उसकी इलस्ट्रेशंस को करना है। देखिए, अकाउंट्स करके ही देखना है, हमेशा पढ़ के नहीं देखना। सिर्फ जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चन चार के बदले एक करें, लेकिन उसको लिख के करें। हम चार क्वेश्चंस को रीड करें, उससे अच्छा हम एक क्वेश्चन को पेपर पे करें। फिफ्थ मार्च को सारा सिलेबस एक बार दोबारा रिवाइज करना है। ये सेकंड रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपने सेकंड मार्च को रिवाइज की थी उसको एक बार दोबारा देखना है। ये लेकिन क्विक रिवीजन होनी चाहिए। क्विक रिवीजन से मतलब आप चार क्वेश्चंस पढ़ने से अच्छा एक क्वेश्चन करके देखें। मुझे उम्मीद है इस रिवीजन से आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि 3.5 डेज प्रिपरेशन के लिए कम है, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए इन 3.5 डेज में काफ़ी अच्छी रिवीजन हो सकती है और आपका पेपर अच्छा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर जैसा भी आएगा आपने सब कुछ किया होगा, सब कुछ आपको पता होगा उसमें कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अकाउंटेंसी के पेपर के लिए है, वैसे तो वो हर पेपर के लिए होती है, बट अकाउंटेंसी के पेपर के लिए खास तौर पे इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें आंसर में जर्नल एंट्रीज लिखनी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, या आंसर में सिर्फ कैलकुलेशन दिखानी है, इस चीज़ को ठीक से पढ़ के ही पेपर करें। अब इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंटरनल चॉइस बढ़ने से आपके ऑप्शन होगी कि आप उसका कौन सा पार्ट करें क्वेश्चन का। तो जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है उसमें आप अपनी ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, जिससे आपको मेन टाइम में वो क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन की बॉटम लाइन सबसे ज़रूरी है कि प्रिपेयर क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, बैलेंस शीट, या सिर्फ कैलकुलेशन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। उम्मीद है आपको राजीव सर की ये बातें समझ में आई होंगी और इसको इंप्लीमेंट करते हुए आप पक्का इस पेपर में एक्सेल करने वाले हो। तो हम सब की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, डू गुड।